नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं सबत खान में फिरदौस कंप्यूटर से आज फिर एक नए बच्चे के साथ में। फिरदौस कंप्यूटर की ये जो बार बार बात की जा रही है कि हर बच्चे की इसका कम्युनिकेशन स्किल को मापन करने के लिए हम इस जो प्रथा को लॉन्च किया है कि बच्चा कैसे बोलता है। अगर जो बच्चा नहीं बोल पाता, मान लीजिए कह रहा कि मुझे शर्म आती है। अभी मैंने इससे पहले एक बच्चे से कहा, बेटा आपकी रिकॉर्डिंग करेंगे, उसने कहा मुझे कॉल आ रही है। तो हम उससे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करते, हमें चाहते हैं कि बच्चा वो अपने अपना नाम बताए। अगर उसको शर्म आ रही है अपने नाम बताने में, तो अपने बाप का नाम बताएं। शर्म आ रही है उसके बात में कि पापा का नाम, हालांकि पापा का नाम तो हम लोग फ़क्रिया यूज़ करते हैं। तो हम चाहेंगे कि हम लोग हर बच्चा अपना कॉन्फिडेंस को बनाए रखे। एक कॉमन क्वेश्चन कर रहे हैं, बिल्कुल चाहे वो अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, इस क्वेश्चनों का जवाब दे सकता है। आज हमारे बीच में आप मिशिगन से हैं, आप मन्नी चौराहे से हैं। आप अपने बारे में कोई तीन बातें बताइए, अपना परिचय दीजिए अपने बारे में, नाम के साथ में। मेरा नाम आसिफ खान है, मैं मन्नी चौराहे पे रहता हूँ और मैंने इंटर पास कर रखा है, वो भी आरकेएसएन पब्लिक कॉलेज से, वो मुंशी। आप कुछ करते ही नहीं करते हैं जी? आप, मैं फाइनेंसर था बजाज कंपनी में, अब इस वक्त तो छोड़ रखा है, थोड़ी अपनी वो जॉब करता हूँ। ठीक है, आपने कितना पढ़ा है फिर से? मैं इंटर पास हूँ। इंटर पास हैं आप? लाइफ के अंदर पढ़ाई को क्या समझते हैं? पढ़ाई आदमी को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? सर, पढ़ाई से बेनिफिट कितने होते हैं? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने जो बोले आराम से। हाँ, पढ़ाई को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। आपने दिया नहीं हालात के अनुसार या आप देते नहीं है, चाहत क्या है? नहीं, हमने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। अच्छा जी, अच्छा ठीक है, एक बात हो गई। लेकिन पढ़ाई को इम्पोर्टेंस समझते हैं? इम्पोर्टेंस समझते हैं, है पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है? कुछ नहीं। ठीक है, इतना काफ़ी है। बेटा आपने फिरदौस कंप्यूटर क्यों ज्वाइन किया, मैं इससे पूछना चाहेंगे। फिरदौस कंप्यूटर सर स्किल के लिए ज्वाइन किया था। स्किल के लिए? जी, स्किल नॉलेज, ये कंप्यूटर नॉलेज के लिए और स्किल डेवलपमेंट के लिए। जी, स्किल डेवलपमेंट के लिए। हम ही पूछेंगे, हर कोई अपने माँ बाप से प्यार तो करता है, सिर्फ कहता मुंह से खाली है, और हम लोग मुंह से ही बोल पाएंगे। कभी कभी होता है मुंह से दिल की गहराई भी सामने निकल आती है। अभी बात को समझ रहे हैं, है ना? माँ बाप से प्यार का अगर मुंह से वो करते हैं तो कभी हम नहीं कर पाएंगे। क्या बात। हाँ, क्योंकि माँ बाप का फ़र्ज और कर्ज हम कभी ज़िंदगी में नहीं उतार सकते। बहुत उम्दा, फ़र्ज और कर्ज। ओके, अभी आपने कहा मैं इंटर पास हूँ और आप काम भी करते हैं, परिवार को लेके चलते हैं, और अपने लिए और परिवार के लिए काम कर रहे हैं, और यही वजूहात है कि आपने इसके आगे नहीं पढ़ा। जी, ठीक है। तो आपका क्या चाहते हैं, तमन्ना क्या है आपको बनने की आपकी? सर, हमारी तमन्ना तो सिविल इंजीनियर बनने की थी, पर हाँ, पढ़ाई में असल में मेरा मन नहीं लगा, फिर हमने वहीं पर ड्रॉप कर दी पढ़ाई। अच्छा, आपको हम ही पूछ रहे हैं क्या वजूहत थी जो मन नहीं लगा? हमें अपने नॉलेज के लिए, ताकि हम भी इसका एहतियात रखें और अपने दूसरे व्यूवर्स को इसका ये बता पाएं कि क्यों नहीं मन लगा, क्या एक वजूहत थी हमारे। सर, इंटर तक तो हमने मैथ ले रखी थी, फिर उसके बाद जब हमने सोचा कि मैथ से नहीं करेंगे, फिर मन हट गया। फिर सर, इंटर तक ही मैथ ले रखी थी, मैथ समझ में नहीं आई हमें। मैथ समझ में नहीं आई? समझ में नहीं आई, जब तक हमें पता चला मैथ नहीं लेनी थी तब तक इंटर हो गया, फिर उसके बाद मन नहीं लगा मेरा। हाँ, कभी कभी विषय ऐसा चॉइस कर लिया जाता है जिससे अगर वो समय में नहीं आया तो दिल उससे हट जाता है। जी जी, और जो चीज़ समय में नहीं आती दिल हट जाता है। जी, ठीक, बहुत उम्दा आपने ये भी चीज़ समझाने को समझ रहे हैं, मन कैसे हट जाता है। जी, ठीक है, बहुत उम्दा। एक लास्ट क्वेश्चन और ख़त्म आपकी बात को पूरी मुकम्मल। अक्सर इंसान अपने लिए वफादार होता है या नहीं होता है, या माँ बाप के लिए, दोस्तों के लिए, ये वफादारी अपने लिए कितनी आप को रहती है? मतलब क्या आप सोचते हैं आप अपने लिए वफादार हैं? क्या अपनी ज़िंदगी को आप प्रॉपरली जी पा रहे हैं? सर, एक होता है ज़िंदगी जीना, एक होता है ज़िंदगी काटना, गुजारना, राइट? हाँ जी, गुजारना। तो हम अभी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नहीं, जी नहीं रहे हैं। वैसे हम आप, हाँ बहुत अच्छा, आपकी बात पूरी मुकम्मल हुई। हमारे आसिफ, हमने एज ए टीचर्स हम बहुत कम लोगों की रेस्पेक्ट करते हैं, एज ए टीचर्स। वैसे रेस्पेक्टिव हर कोई व्यक्ति होता है। जी जी, लेकिन आसिफ तुमको जब से मैंने लिया है, इससे पहले हम अकेले भी कह चुके हैं और आज हम इस मंच पे भी कह रहे हैं कि आसिफ मुझे दिल की जो की ज़हनियत जैसे बोले और पेश मेरे पास आए, ये हमारी ज़िंदगी में एक यूनिक रहे। आप इस ज़िंदगी में आपने जो ऐसी बातें कर रहे हैं, भावुक कर देने वाली बातें जो कर रहे हैं, इमोशनल करने वाली बातें जो कर रहे हैं, इसका रीज़न है आपका कि आपने तमाम
एक तो समझ में पढ़ाई नहीं आई, फिर तमाम बोझ प्रेशराइज परिवार का रहा, कुछ इस वजह से आप ये आपकी बोलने का आपका अंदाज बन गया। अल्लाह पाक हम सभी को हर विषय समझ में आए, अच्छे लोगों की गाइडेंस मिले और जिससे हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर और पॉजिटिव रहें। अगर ऐसा भी आसिफ की सोच का विचार आदमी बनता है तो इसके पीछे शायद टीचर्स का ही हाथ होता है, या जो मार्गदर्शक जो उसका होता है उसका हाथ होता है। जी जी। तो हम लोग की मुलाकात देर से हुई आसिफ जी, ये गाइडर होता है वही टीचर, गाइडर होता है वो टीचर्स ही होता है। तो जो आज अगर मैं समय में नहीं आई जिससे आप उदास हैं, तो काश कोई ऐसा टीचर मिला होता जो आप प्रोवाइड करा सकता है। अगर बच्चे को समझ में नहीं आती है तो बच्चे का दोष नहीं है, अगर मेरे हसरत को समझ में मैथ नहीं आती है तो वो हसरत का दोष नहीं है, दोष है उसको समझाने वाले व्यक्ति का दोष है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू मैम।